श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते हुए, जिनके चरण कमल कमला के कर कमलों से न निकलते देखा। कमला लक्ष्मी जिनके चरण कमल को अपने कर कमल से सदा पकड़े रहते हैं, जिनके चरण कमल कमला के कर कमलों से न निकलते देखा, उन्हीं कोमल चरणों से भगवान अपने भक्तों के लिए कंटक पथ पर चलते देखे। वृंदावन के करीब कुंजों में भगवान कांटों के पथ पर घूमते, विद्य दंडक कंटक ही है, वेद व्यास जी कहते दंडकारण्य में भगवान श्री राम कांटों पर चलते। ये भगवान की भक्त वत्सलता। कुंती महारानी कहती हैं कि मैंने आपके उस रूप को देखा है, सामाम विमोहयति भीरपि यद् विभेति। इस पंक्ति से संकेत होता है कि भगवान की बाल लीलाओं का खूब दर्शन किया है कुंती बुआ ने। बोले कैसे? बोले कुंती जी तो हस्तिनापुर में, और भगवान की बाल लीला गोकुल में हुई, वृंदावन में हुई, कुंती वहां कैसे पहुंची? बोले ये श्लोक प्रमाण है, क्योंकि उस लीला का यहां वर्णन कर रही हैं कुंती देवी। तो संत लोग कहते हैं, देखो कुंती जी जब अपने भैया से मिलने गई श्री वसुदेव जी से, तो देवकी वसुदेव रो रहे थे, उनके रुदन को देख करके कुंती जी ने पूछा, भैया आप इतने दुखी क्यों हैं, रो क्यों रहे? देवकी ने और वसुदेव ने कहा, मेरे दोनों लाल कृष्ण बलराम गोकुल में हैं, वो कैसे होंगे, उनकी क्या स्थिति है, आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं, वो कैसे बोलते होंगे, कैसे लीला करते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे। सोचो, एक माँ जन्म देते ही अपने बच्चे को अपने से दूर कर दे और उसकी उसको ये पता हो कि वो जीवित है और दूसरे के पास है, तो उसके मन में कितनी त्वरा होगी कि वो अब कितना बड़ा हुआ, क्या बोलता होगा, कैसे चलता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। आंखें देखने के लिए तरस रही थी। तो कुंती बुआ ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। आप नहीं जा सकती, आपको कंस से भय है, मुझे कोई भय नहीं, मैं जाती हूँ। और कुंती बुआ सुंदर गोपी का रूप धारण करके गोकुल पहुंच जाती और जाकर के दूर से छिप करके भगवान कृष्ण की नित्य लीलाओं का दर्शन करती और रोज दर्शन करके आकर के सवेरे से दिन भर दर्शन करती हूँ। शाम को सारा वृत्तांत आकर के देवकी मैया को सुनाती, देवकी मैया सुन करके तृप्त हो जाती। महाराज कुंती महारानी कहती हैं कि आपकी उस लीलाओं को मैंने देखा, इसलिए हे गोविंद मैं आपसे यही मांगती हूँ कि आप मुझे जीवन में विपत्तियां प्रदान करो जिससे मैं आपका स्मरण करती हूँ, और एक चीज और मुझे दे दो। भगवान ने कहा, क्या? तो कुंती कहती हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़ं पाण्डु सुवृष्णुषु। हे भगवान, ये जो पांडव हैं, जो मेरे पुत्र हैं, ये मेरे जो परिजन हैं, इनके प्रति मेरा जो स्नेह है, यह स्नेह मेरा समाप्त हो गया, क्योंकि यह स्नेह ये मोह ही तो बंधन का कारण है, इसको आप मिटाओ। क्या वैराग्य है कुंती का महाराज। दूसरा कोई होता तो मांगता, महाराज मेरे बेटे बने रहे, इनका स्नेह बना रहे, ये मुझे कभी छोड़ के न जाएं, मैं इनको छोड़ के न जाऊं। लेकिन भगवान से कुंती ने यही मांगा कि इन पुत्रों के प्रति मेरा जो स्नेह है वो टूट जाए, क्योंकि ये स्नेह भी बंधन का कारण है। ये संसार से नेह टूटेगा तभी आपसे स्नेह होगा, इसलिए महाराज ये आशा पाश मोह का बंधन जो है मेरे जीवन से टूट जाए। स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़ पांडु सुवृष्णुषु, ये वृष्ण वंश में, पांडव वंश में, इन परिजनों में मेरा जो स्नेह है, ऐसे तो है नहीं कुंती का कहीं किसी से कोई स्नेह नहीं भगवान को छोड़कर, लेकिन फिर भी कुंती कहती, अगर कहीं मेरे हृदय में इन संसारी प्राणियों के प्रति कोई स्नेह बचा हो तो हे गोविंद उसे भी मिटा देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए जिससे त्वयि मे अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, जिससे मेरी अनन्य मति आप में लग जाए और मैं आपका ही चिंतन करती रहूं,
इस प्रकार कुंती ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने तथास्तु कहा और फिर भगवान वहां से चलने को तैयार हुए। चलने को तैयार हुए तो भगवान को याद आ गई, अरे एक भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कौन है? बोले भीष्म पितामह, बाण की सैया पर पड़े, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। लेकिन मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा किस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस इसी का चिंतन। उत्तरायण क्या है? भगवान के भक्तों के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन का कोई मूल्य नहीं होता। भगवान के भक्त तो कभी भी मर जाएं, चाहे उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, चाहे भद्रा हो चाहे व्यतिपात हो, भक्तों के लिए उत्तरायण दक्षिणायन का कोई मूल्य नहीं होता। वो तो जब भी शरीर छोड़ेंगे भगवान की कृपा से उनको परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भीष्म पितामह किस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ले भीष्म पितामह सोच रहे मैं अपने प्राणों का त्याग करूं तब, बोले जब उत्तरायण आ जाए। उत्तरायण का मतलब क्या? बोले उत्तरा और आयन दोनों मिलाइए तो क्या बनेगा? बोले उत्तरायण। तो उत्तरा माने परीक्षित की माँ, जो उत्तरा है उनके गर्भ को जिसने अपना आयन बनाया, ऐसे गोविंद कृष्ण उत्तरायण, ये कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ को जिसने अपना आयन बना लिया, ऐसे गोविंद कृष्ण मेरे सामने आ जाए मैं अपना प्राण छोड़ दूं, उस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो उत्तरायण तो ठीक है, उत्तरायण दक्षिणायन की जो बात है वो तो है, वो तो सैद्धांतिक धरातल पर ठीक है, लेकिन भाव पक्ष की दृष्टि से भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण मेरे कृष्ण आ जाए। कृष्ण ही तो उत्तरायण है। उत्तरा के गर्भ को जिसने अपना आयन बनाया, जिस गर्भ में जाकर के निवास किया, जो किसी के गर्भ में नहीं गए वो उत्तरा के गर्भ में गए, ऐसे उत्तरायण मेरे सामने आ जाए मैं प्राणों का त्याग करूं। आ गए महाराज। कौन कौन आए? बड़े 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 ऋषि मुनि महात्मा लोग आ गए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्सो भरद्वाज सह शिष्यो रेणुकासुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्तोकृत्समदोषितः। ये सब बड़े बड़े महर्षि लोग आ गए। पर्वत, नारद, धौम्य, पराशर, गृत्समद, परशुराम जी महाराज, त्रित, कौशिक, ये सब बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े। अर्जुन आ गए, भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए, सब आए। लेकिन अभी तक भीष्म पितामह ने आंख नहीं खोली, बाण की सैया पर पड़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आकर के खड़े हो गए, अगल बगल घेर लिया भीष्म पितामह को, क्योंकि उनका अब अंतिम समय है, प्रयाण होने वाला। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, मलात्मा, विमलात्मा लोग आ गए, लेकिन भीष्म पितामह अपनी आंखों को बंद किए थे। क्यों? बोले किसको देखें? जिसको देखने के लिए आंखें बंद करके पड़े हैं, जिस कृष्ण को देख करके, जिस उत्तरायण को देख करके वो अपनी आंखों को बंद करना चाहते हैं, वो अभी नहीं आए। इसलिए भीष्म पितामह ने अभी आंखें नहीं खोली, बाण पर पड़े, बाण की सैया पर पड़े थे। सब लोग आ गए, तब तक भगवान भी आए। कैसे आए? बोले भगवान अर्जुन को, अर्जुन के हाथ में हाथ डाले हुए, क्योंकि अर्जुन सखा है, अर्जुन के हाथ में हाथ डाले हुए, बाह में बाह डाले हुए, अपनी अलकावलियों को हिलाते हुए, मंद मुस्कुराते हुए गोविंद कृष्ण जब पहुंचते हैं, तो भगवान गोविंद के गले में पड़ी हुई तुलसी की जो माला है, उस तुलसी की माला की जो दिव्य गंध है, वह गंध भगवान के शरीर का संस्पर्श करके जब वायु के वेग से भीष्म पितामह के नाक में जाती है, किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद बाली, पहचान गए, अरे ये तो मेरे कृष्ण की गंध है, ये तो ब्रह्म गंध है। तक से आंख खोली भीष्म पितामह ने, देखा गोविंद सामने खड़े थे। गोविंद के मुस्कुराते मुखमंडल को देख करके भीष्म पितामह के शरीर की सारी पीड़ा तत्क्षण समाप्त हो गई। ऐसे भी कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि गोविंद का स्मरण कर रहे थे, लेकिन सामने गोविंद को देखते ही सारी पीड़ा समाप्त हो गई। हृदस्थम पूजयामास मायोपात विग्रहम कृष्णम च तत्प्रभावज्ञो आसीनम जगदीश्वरम। भीष्म पितामह ने भगवान का पूजन किया। कैसे पूजन किया?
वहां चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप तो था नहीं, पूजा क्या करते? कहते हैं मानसी पूजा किया। हृदयस्थम पूजयामास, हृदय के अंदर मन से पूजा किया। मायोपात विग्रहम, माया के द्वारा जिन्होंने अपनी माया के द्वारा विग्रह धारण कर रखा है ऐसे गोविंद की मानसी पूजा किया। मानसी पूजा बड़ी उत्तम पूजा मानी जाती है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं उत्तमा मानसी पूजा मध्यमा ध्यान धारणा। सियाराम स्वयमेव उत्कृष्ट। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं उत्तमा मानसी पूजा मध्यमा ध्यान धारणा। और मूर्ति पूजा कहते हैं मूर्ति पूजा धमा धमा अधमा अधमा। मानसी पूजा सर्वोत्तम पूजा मानी गई, लेकिन मानसी पूजा तभी सिद्ध होती है जब हम मूर्ति पूजा करते हुए आगे बढ़ते। मूर्ति पूजा करते हुए जब हमारी दृढ़ता हो जाती है तभी मानसी पूजा में भी सफलता मिलती है। मानसी पूजा की हृदयस्थम पूजयामास मायोपात विग्रहम। और फिर भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम निवेदन किया। युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब वहीं पर खड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, यम मन्यसे मातुलेयम, ये मामा के तुम्हारे बेटे हैं जिनको तुम अपना मामा का बेटा समझते हो, प्रियम मित्रम, अर्जुन तुम जिसको अपना प्रिय मित्र समझते हो, नकुल सहदेव जिसको तुम अपना सुहृद समझते हो, सुहृद तमम अकरो सचिवम दूतम, जिसको तुमने अपना दूत बनाया, जिसको तुमने अपना सारथी बनाया, सौहृदादथ सारथिम, जो तुम्हारे सौहृद और प्रेम के कारण तुम्हारे सारथी बने, ये क्या है जानते? भीष्म पितामह ने कहा ये न तुम्हारे मामा के बेटे हैं, न ये किसी के प्रिय हैं, न ये किसी के सुहृद हैं, न इनको कोई सचिव बना सकता है, न कोई इनको सारथी बना सकता है, ये तो इनकी लीला है। सर्वात्मन समदृशो, ये सर्वात्मा है, समदर्शी है। अगर तुम मानते हो कि ये मेरे मामा के बेटे हैं, मेरे हैं, बोले ऐसा नहीं है, ये सबके हैं। क्यों? बोले ये सर्वात्मा है। अगर इनके विषय में मति वैषम्य है, सोचते हो कि ये मामा के बेटे हमारे सुहृद हैं, अमुक हैं, अमुक हैं, तो ये तुम्हारा भ्रम है, ये कुछ नहीं है। ये क्या है? बोले ये शुद्ध ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वांतरयामी है, सर्वात्मन समदृशो, ये समदर्शी हैं और सबके प्रिय हैं। कैसे? वैसे जैसे सोना, सोना क्या है? बोले सोने का चाहे कुंडल बना लो, चाहे पायल बना लो, चाहे अंगूठी बना लो, चाहे गले का हार बना लो, वो सोना सोना ही रहता है। ना वो हार है, न पायल है, न अंगूठी है, मूलतः क्या है? बोले वो सोना ही है। तुम कुछ भी मान लो, लेकिन है तो वो सोना और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं है, वो शुद्ध सोना ही है। आप उसका नाम भले रख दो ये पायल, उसमें पायल क्या है? आगे से पीछे तक जो कुछ है सोना ही तो है। गले में पहन लिया जंजीर, बोले ये जंजीर है, बोले जंजीर नहीं, वो क्या है? बोले सोना ही तो है, दूसरा कुछ नहीं। उसी तरह भगवान सर्वात्मन समदृशो, ये सर्वात्मा है, समदर्शी। समदर्शी क्यों है? बोले आज ये समदर्शी न होते तो मुझ पापी को दर्शन देने आते। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे ऊपर भी इन्होंने कृपा की और मुझे दर्शन देने के लिए आए, यही इनका समदर्शित्व। ये समदर्शी हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं। मैंने इनके साथ कोई उपकार नहीं किया। भीष्म पितामह भगवान की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है,
भीष्म पितामह कहते हैं प्रभो मुझे विश्वास था कि आप आओगे, लेकिन किस बात पर विश्वास था? मुझे अपने कर्मों पर विश्वास नहीं था। मैंने कोई ऐसा कर्म किया नहीं था कि आप मुझे दर्शन देते। मैंने आपकी एक बात नहीं मानी। आप दूत बनकर के आए समझौता कराने के लिए, लेकिन मैं आपकी बात को कौरवों की सभा में मनवा नहीं सका। चाह करके भी मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने आपकी सेवा नहीं। दुर्योधन आपको बांधना चाहता था, मैं देख रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं आपकी सहायता नहीं कर सका। हे भगवान, भरी सभा में आपकी भक्ता द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा था। इन्हीं आंखों से मैं देख रहा था, लेकिन आपकी भक्ता उस द्रौपदी की लाज नहीं बचा सका। मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। मेरे जैसा कृतज्ञ कौन होगा? मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, और सेवा तो दूर रही। आपके भक्तों को, उन पांडवों को मारने के लिए मैंने युद्ध किया। मैंने अपने बाणों से आपके एक एक अंग को छलनी कर दिया। हमारा युद्ध में केवल अर्जुन को ही बाण नहीं लगे थे। महाभारत पढ़ना, भीष्म पितामह जब बाण चलाते थे तो भगवान कृष्ण के अंग अंग में जाकर के बाण विद जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का शरीर रक्त रंजित हो जाता था, फिर भी भगवान रथ चलाते रहते थे, क्योंकि अर्जुन को संभालना। भीष्म पितामह कहते हैं इस अन्यायी ने आपके साथ क्या अन्याय नहीं किया। लेकिन हे प्रभु, मैं जानता हूं आप समदर्शी हैं, मुझ अभागे को भी दर्शन देने के लिए आप चल करके आए। और क्यों आए? मुझे विश्वास था आप आएंगे। किस बात का विश्वास था? किस बात का विश्वास था कि आप मुझे दर्शन देंगे? तो भीष्म पितामह कहते हैं मुझे केवल एक बात का विश्वास था कि आप अर्जुन के सखा। इस संबंध पर मुझे भरोसा था। जिस अर्जुन को मैंने अपने गोद में खिलाया है, जिस अर्जुन को मैंने पाला है, जिस अर्जुन को मैंने पढ़ाया हो, उसके तुम दोस्त हो, उसके तुम मित्र हो, उस संबंध से तुम आओगे, ये मुझे विश्वास था। अर्जुन आपका परम भक्त है, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सका। मैंने आपकी सेवा नहीं की, मैंने आपकी भक्ति नहीं की, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन अर्जुन जो आपका परम भक्त है, वो भक्त मेरा संबंधी है, उसको मैंने पाला है, मैंने गोद में खिलाया है, ये संबंध है। इस संबंध पर मुझे भरोसा था, दृढ़ता थी कि कृष्ण मुझे दर्शन जरूर देंगे, और आज उस संबंध से आप आए। हे विजय सखे, अर्जुन का नाम है विजय, और विजय के सखा हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे भगवान, अब आज आपको मैं प्रणाम करता हूं। और रही बात महाभारत युद्ध में, आप चाहते तो एक मिनट में सब कुछ हो जाता। मैं जानता हूं आपकी ये सब लीला है, और आज मैं आपको अपनी बुद्धि अर्पित करना चाहता हूं। सबसे पहली प्रार्थना यही की है भीष्म पितामह ने, बस यही वचन कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। आप लोग धैर्य से बैठो, इतने अच्छे श्रोता मिलते हैं, इसीलिए सुनाने का मन करता, नहीं तो ऐसी कथा तो मैंने शायद अभी तक नहीं सुनाई है जो आज सुना रहे हैं। ये मेरे सब श्रोता बैठे हैं, 10 साल से साथ में सुनते हैं। ये मिथिला भूमि का प्रभाव कहो, आपके धैर्य का प्रभाव कहो। महाराज, भीष्म पितामह कहते मैं अपनी मति आपको देना चाहता हूं। पहली प्रार्थना यही की, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे विधूं। हे भगवान, मैं अपनी मति आपको समर्पित करना चाहता हूं, अपनी बुद्धि आपको देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, अपनी बुद्धि आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा, जब मैं अपनी बुद्धि आपको दे दूंगा, तभी तो आपके द्वारा दी गई बुद्धि को धारण करूंगा।
आपके द्वारा जो बुद्धि प्राप्त होती है वही बुद्धि आपके प्राप्ति का साधन बनती है। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। लेकिन जब पहले से मेरी बुद्धि रहेगी तो मैं आपके द्वारा प्रदत्त उस बुद्धि को कहां रखूंगा, इसलिए मेरी इस बुद्धि को तो आप ले लो और आपके द्वारा जो प्रदत्त बुद्धि है वो मुझे प्राप्त हो जाए जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। इस भाव से पितामह ने कहा मेरी इस मति को आप स्वीकार कर, बुद्धि का समर्पण कर दिया। और उसके बाद कहते हैं हे गोविंद आपके मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कौन से रूप का दर्शन? भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत के युद्ध में जब बाण पर बाण चल रहे थे, सपति सखी बचो निसम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश, अपने सखा अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के मध्य में जब आपने रथ को ला करके खड़ा किया था, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, अर्जुन ने कहा था मेरे रथ को ले चल करके दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश, स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा कृतवती पार्थ सखी रतिर ममास्तु। उस समय जब जा करके आपने अपने रथ को दोनों सभाओं के मध्य में खड़ा किया उसी समय, कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं पितामह। पितामह कहते हैं कि स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा हृतवती, रथ को बीच में खड़ा करके आपने जब कौरव की सेना को देखा पर सैनिकायुर अक्षणा हृतवती, उसी समय आपने कौरव की सेना को देख करके अपनी आंखों से उनकी आयु का हरण कर लिया, उसी समय सब मर गए थे। मैं जानता हूं ये तो महाभारत युद्ध आपका नाटक था, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए आपने किया। जिस समय आप वहां पर उपस्थित हुए रथ लेकर, उसी समय आपकी दृष्टि से ही उनकी सारी आयु खत्म हो गई, उनकी आयु का आपने हरण कर लिया। हे गोविंद, व्यामोह में पड़े हुए अर्जुन को आपने जो उपदेश किया गीता का, महाभारत के युद्ध में, वो सब कुछ मैं स्मरण कर रहा हूं। आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा अमृतम अधिकर्तुम रथस्थो अवप्लुता। युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने, आज मैं अर्जुन को मार दूंगा। प्रतिज्ञा तो कर ली अर्जुन भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भीष्म पितामह को पश्चाताप होने लगा। भीष्म पितामह कहते हैं हे भगवान, प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली लेकिन मुझे पश्चाताप हो रहा था। गोविंद, जैसे तैसे जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैंने प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन को मार दूंगा, लेकिन हे गोविंद अब मेरी प्रतिज्ञा की लाज बचा। प्रतिज्ञा करते समय भीष्म पितामह ने कहा कि अगर कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो आज अर्जुन नहीं बच सकता, अर्जुन को अगर कोई बचा पाएगा तो कृष्ण बचा पाएगा। अगर कृष्ण नहीं बचाते हैं तो अर्जुन को मरने से कोई रोक नहीं सकता, ये प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने कर ली। भीष्म पितामह कहते प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली लेकिन आपने भी प्रतिज्ञा की है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हे भगवान, आप अपने भक्त अर्जुन को बचा लो, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दो, अर्जुन को बचा लो, ये नहीं। भीष्म पितामह ने कहा मेरी प्रतिज्ञा बचा लो, अर्जुन को तो आप बचाओगे ही, मैं जानता हूं अर्जुन को दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, लेकिन मुझ तुच्छ की प्रतिज्ञा को भी बचा लो। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया तो अर्जुन के प्राण नहीं बचेंगे, तो अर्जुन के प्राण तो बचेंगे लेकिन आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को बचा लो। कृष्ण, मेरे जीवन में कुछ नहीं है,
मैंने कभी राज्य को राज्य नहीं समझा, मैंने जीवन के सुख को कभी सुख नहीं समझा, मेरे जीवन में कुछ नहीं, मैंने सब कुछ त्यागा और इस दुनिया से अब मैं जाने वाला हूं, कुछ लेकर के नहीं जाऊंगा, अपयश मेरे साथ होगा कि मैंने कौरव का साथ दिया, पांडव का मैंने साथ नहीं दिया, ये अपयश मेरे सिर पर होगा। अगर मेरे जीवन की कोई उपलब्धि होगी तो एक उपलब्धि होगी कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर ली, कम से कम ये तो मेरे जीवन में बच जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दो कृष्ण, और मेरे जीवन में कुछ नहीं है, बाकी मैं जीवन में शून्य हूं। एक प्रतिज्ञा ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये बच गया तो मेरा जीवन सार्थक होगा, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को बचा लो। भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण आपके उस रूप का मैं ध्यान कर रहा हूं कि मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए मेरे जैसे निर्दयी पुरुष की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूद पड़े। हंतमिभम गतोत्तरीयः, आपका पीतांबर नीचे गिर पड़ा, पृथ्वी पर पीतांबर घसटने लगा, अर्जुन पकड़ने लगे, कृष्ण रुक जाओ, अस्त्र मत उठाओ, आपकी प्रतिज्ञा छूट जाएगी। आपने न कृष्ण की सुनी और न पृथ्वी की सुनी, आपने अर्जुन की नहीं सुनी, आपने पृथ्वी की भी नहीं सुनी। अर्जुन ने कहा मत उठाओ, भगवान दौड़ पड़े, अर्जुन को भी छोड़ दिया। पीतांबर जमीन पर घिसट रहा था, मानो पृथ्वी भगवान के पीतांबर को पकड़ करके कह रही थी, कृष्ण आप परब्रह्म परमात्मा हो, आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दोगे, धर्म चला जाएगा। मानो पृथ्वी रो रही थी पीतांबर पकड़ करके, अनर्थ हो जाएगा, आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दोगे। लेकिन भगवान ने पृथ्वी की भी नहीं सुनी, भूदेवी की भी नहीं सुनी। भीष्म पितामह कहते हैं, आपने अपनी प्रेयसी भूदेवी की प्रतिज्ञा को भी, उनके भी निवेदन को छोड़ दिया, अपने प्रिय मित्र अर्जुन के भी निवेदन को छोड़ दिया, और मुझ तुच्छ भक्त की प्रतिज्ञा को आपने रख लिया, मेरी लाज बचाई, हे कृष्ण मैं आपको प्रणाम करता हूं। भीष्म पितामह कहते हैं, बस वही स्वरूप मेरे आंखों के सामने बना रहे और मैं अपने प्राणों का त्याग कर। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपने कलेवर का त्याग न करूं तब तक आप ऐसे ही मंद मुस्कुराते मेरी आंखों के सामने खड़े रहो। मैं आपको आपसे निवेदन भी कर रहा हूं और आज्ञा भी दे रहा हूं, निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे ईश्वर हो, आराध्य, आज्ञा इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे अर्जुन के सखा हो, अर्जुन मेरा बेटा है, मेरा पौत्र है, और आप उसके दोस्त हो, इसलिए मेरे लिए पुत्र के समान हो, इसलिए आज्ञा भी दे रहा हूं, मेरे सामने खड़े रहो और मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। भगवान मंद मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह के सामने खड़े रहे। भीष्म पितामह ने अपनी मति को, अपनी बुद्धि को भगवान में समर्पित किया और फिर भगवान का स्मरण करते हुए उनकी आंखें बंद हो गईं। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति आत्मन्यात्मानमावेश्य सोंत श्वास उपारमा, अंतिम सांस भीष्म पितामह ने ली। सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयां सीव दिनात्यये, जिस समय भीष्म पितामह के प्राण निकले थी तो मध्यान्ह की वेला, लेकिन उस क्षण में संपूर्ण सृष्टि शांत हो गई। वेदव्यास जी के किस प्रकार से बोले, बयाम सीव दिनात्यये, जैसे दिन के समाप्त होने पर रात्रि में सायंकाल होते ही सारी आवाज समाप्त हो जाती, पशु पक्षी का बोलना बंद, चिड़ियों का चहचहाना बंद, उस प्रकार शांति व्याप्त हो गई चारों तरफ, एक क्षण के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया भीष्म पितामह के प्राण प्रयाण के समय। और फिर अगले ही क्षण तत्र दुंदु भयो ने दुहु, तब तक स्वर्ग से दुंदु भी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, देवता लोग जय जयकार करने लगे। ससंसु साधवो राज्ञां खात पेतु पुष्पवृष्टयः, और जितने महापुरुष थे सब जय जयकार करने लगे, स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी और भीष्म पितामह को परम पद की प्राप्ति हुई है।
भीष्म पितामह भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ये भगवान के परम भक्त हैं भीष्म पितामह।